मैं यहां पर अपनी जेब से, अपने कुछ इनकम के अंदर से मैं कुछ ट्रेनर्स को सैलरी दूंगा। सो हाय गाइस, दिस इज रामेन सिंह चौहान। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन्हें कौन नहीं जानता होगा, ये है फिटनेस फ्री गुरुमान। जिस टाइम लोग यूट्यूब भी नहीं जानते थे यूट्यूब होता क्या है, तब से ये अपने वीडियो बनाते थे। इनकी एक वेबसाइट भी है, फिर इन्होंने यूट्यूब पे भी अपने वीडियोस बनाना शुरू किए, जो डाइट और वर्कआउट वीडियोस रहते हैं। इनकी बहुत सारी फिटनेस सीरीज़ भी आ रखी हैं। सो इन्होंने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो भी जिम ट्रेनर हैं, जिनके क्योंकि सारे जिम बंद हैं, तो उनको ये अपनी तरफ से उनकी सैलरी मींस प्रोवाइड कराएंगे। सो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं और इनको थैंक्स बोलने वाला हूं। सो स्टे ट्यून। ओके गाइस, सो जैसा कि आपने आपको मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि इस वीडियो में एक्चुअली है क्या। तो गुरुमान सर हैं जिन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि जितने लोग भी जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, कुछ जिम ट्रेनर होते हैं, तो उनको उन्होंने बोला है, उनमें से कुछ लोगों को वो सैलरी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि बहुत ही मतलब बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने। क्योंकि इतने सारे आपको पता है, इतने सारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे जो फिटनेस के गुरु अपने आप को बोलते हैं, उनमें से किसी ने भी इस पे कोई अभी तक स्टेप नहीं लिया है। सो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये। और इसके ये कैसे मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि मैं एक फॉर्म शेयर करूंगा, जितने भी जो ट्रेनर हैं, जो बड़े बड़े जिम होते हैं जहां पे ट्रेनर काम करते हैं, और क्योंकि लॉकडाउन है तो बहुत टाइम से 3-4 महीने हो चुके हैं लगभग, तो जिम बंद है सारे। तो इन्होंने बोला है कि जो भी उस फॉर्म को फिल करके इनको भेजेगा, तो ये मीन्स वेरिफिकेशन भी करेंगे उसकी कि मतलब आप जेन्युइन हो कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं आप ट्रेनर हो ही नहीं और फेक फॉर्म भर रखा है। तो इनकी एक वेरिफिकेशन टीम होगी जो कि कॉल करेगी, जिसपे मीन्स जिसमें फोकस किया जाएगा कि आप के जिम पे कॉल करेंगे, प्लस आप अगर कोई सर्टिफिकेशन है उसके बारे में भी पूछेंगे। सो मीन्स सारा सब कुछ वेरीफाई करके फिर ये रैंडम एक नाम पिक करेंगे, जितने जो वेरीफाइड जो मीन्स जो ट्रेनर होंगे, जो फॉर्म आएंगे वेरीफाइड जो हो जाएंगे, वेरीफाई होने के बाद उनमें से एक रैंडम पिक करेंगे। सो जिसका भी नाम आता है ये उसको मीन्स एक मंथ की जितनी भी उसकी सैलरी थी मतलब वहाँ पे उस जिम में, ये अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। इसमें कोई गवर्नमेंट या किसी का और मीन्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गुरुमान सर, वी रिस्पेक्ट यू। सो गाइज, जिसको भी ये फॉर्म फिल करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और इन केस अगर नहीं होता, आई थिंक इन्होंने बोला था कि मीन्स हर महीने ये ऐसे करेंगे जब तक जिम नहीं खुल जाते, तो अगर नहीं होता है तो उनको फॉलो करते रहिएगा, और जैसे भी नया वीडियो आएगा उनका जब भी, तो मैं बता दूंगा अगर ऐसा कुछ भी और आगे अगर वो करते हैं। तो गाइज, आई थिंक कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। अभी तक किसी भी जो भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या बहुत बड़े फिटनेस गुरु हैं, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं सोचा था, तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। एंड गुरुमान सर, वी रिस्पेक्ट यू, एंड बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। सो वी लव यू ऑल। एंड सो गाइज, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे अगर मेरा वीडियो अगर वो देखते हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी अगर ऐसे करिए तो फिटनेस इंडस्ट्री, वैसे भी फिटनेस इंडस्ट्री पे इतना ग्रोथ नहीं है, इतना लोग फोकस नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग भी अगर ऐसे करने लग जाओगे तो बहुत ही अच्छा मतलब ये एक रहेगा कि जो फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, कि ऐसा नहीं, देखो बहुत टाइम तक अगर ऐसा रहा तो आई थिंक फिटनेस इंडस्ट्री डूब भी सकती है। बहुत सारे जिम ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके रिसेंटली न्यू ईयर में जिम खोले थे, बहुत से लोग ऐसे, तो वो तो डिमोरलाइज हो जाएंगे अगर ऐसा बहुत टाइम तक रहा, क्योंकि वर्कर भी छोड़ के चले जाएंगे और उनका लोन नहीं होगा, आई थिंक उन्हें जिम बंद करनी पड़ जाएगी। तो अगर ऐसे सब लोग
मीन्स अपना अगर थोड़ा थोड़ा योगदान करके अगर हेल्प करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। सो गुरबान सर से ये आई थिंक जो बड़े यूट्यूबर अपने आप को बोलते हैं जिनके बहुत मिलियन में फॉलोअर्स हैं तो उन्हें ये सीखना चाहिए। एंड वी लव यू गुरबान सर एंड होप कि आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन होंगे एंड दूसरे लोग भी ऐसा काम स्टार्ट करेंगे। एंड गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने जल्दी से जल्दी हो जाए तो जिम्स को ओपन करवा दें। एंड थैंक यू गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता चल जाए। एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय।